सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप भी कुछ इसी टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई यही बताने वाला कि कैसे आप कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे, और मैं 110% लिख के देता हूँ कि आप इस टाइप की वीडियो ऐसे चुटकियों में एडिट कर लेंगे। तो आप लोग इस वाली वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, जिसके अंदर आपका भाई क्या बताने वाला ना कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही अपने वीडियो के अंदर ना ब्लर इफेक्ट को कैसे ऐड करेंगे और सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताने वाला है। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो व्हाट्स अप गाइज, उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को VN ऐप को यहाँ से ओपन करना होगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप VN ऐप को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा, और मैं VN ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से इजीली आप VN ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप उसे ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, नीचे साइड में एक छोटे से प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी गैलरी की सारी वीडियो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको जिस वीडियो को एडिट करना है उसे आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने तो गाइस कर लिया, और नीचे साइड में मैं तीर के आइकन पे ऐसे क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो यहाँ पे ना VN ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा, और आने के बाद आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने इस वाले वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग ये करने वाले हैं, यानी कि पहले स्टेप में अपनी वीडियो को कैसे आप स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी वीडियो के अंदर सेकी इफेक्ट को ऐड करेंगे, यानी कि ट्रांजेक्शन के। और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। और इन तीनों स्टेपों को आप अच्छे तरीके से अगर देख लेते हैं तो आप कंप्लीट वीडियो को एडिट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके अपने लेयर को ऐसे लास्ट में आएंगे, और आने के बाद यहाँ पे हम लोग का VN ऐप का एक लोगो मिल जाएगा। तो इसे आप लोग को सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना होगा। और जो भी हम लोग का यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं, क्या करेंगे अपने वीडियो को ऐसे सेलेक्ट करके, और नीचे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसकी वैल्यूम के आइकन पे जाके और इसकी वैल्यूम को आप 0% करके और राइट क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को कटिंग करने वाले, तो सिंपल से देखेंगे कि हम लोग का वीडियो में कहाँ कहाँ फालतू पार्ट है। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे चलाएंगे, देख सकते हैं स्टार्टिंग में तो हम लोग का सही है वीडियो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को काटने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतना चल रहा हूँ, और इतना हम लोग का ये फालतू पार्ट है। तो कि मैं सिंपल से अपनी वीडियो को जहाँ से काटना वहाँ पे इस कर्सल को लेकर आऊँगा, और आने के बाद सिंपल से आपको नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट के आइकन पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। देख सकते हैं अभी हम लोग का फ्रेश यहाँ पे वीडियो बचा है। तो चलिए आपका भाई अब ये बता दे कि कैसे आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करना है, और आपका भाई एक तरीका नहीं बताने वाला, आपका भाई तीन तरीका बताने वाला है स्लो एंड फास्ट मोशन करने का आपको अपनी वीडियो का। तो सिंपल से आप लोगों को नीचे साइड में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्पीड का आइकन मिलेगा, तो स्पीड के आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं ना यहाँ पे आपको एक कर्व का आइकन मिलेगा, एक रेगुलर का, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोने में ना प्रीसेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो प्रीसेट का काम क्या होता है, चलिए पहले आपका भाई ये बता दे, फिर उसके बाद आपको मैनुअल कैसे अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में करना है ये भी बताएगा। तो सिंपल से आप लोग प्रीसेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक जंप कट है, यहाँ पे फास्ट इन करके, यहाँ पे फास्ट आउट करके है, ये क्या सारी चीजें होती है, यहाँ पे देखो हीरो टाइम करके एक है। तो अगर आप इस पर अगर क्लिक कर देते हैं ना गाइस, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो ये भी आपका भाई बताने वाला, तो इस पे आप क्लिक करके यहां पे जंप कट पे एक बार कर लीजिएगा, देख सकते हैं ऐसा आपका वीडियो यहाँ पे स्लोमो रहेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो यहाँ पे फास्ट होगी, फिर यहाँ पे आपकी वीडियो ऐसे स्लोमो हो जाएगा। तो ऐसे आप इजीली भी अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपल से क्या करूँगा ना यहाँ पे इसे ऐसे हटा दूंगा, और हटा लेने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पे कर्व में आके, और आने के बाद आप लोग के सामने बहुत सारे डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा ना, ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा, पहले वाले डॉट को पकड़ के ऊपर कीजिएगा और दूसरे वाले डॉट को ऐसे नीचे कर दीजिए,
लीजिएगा और तीसरे वाले डॉट को ऐसे उठा लीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे चौथे वाले डॉट को ऐसे नीचे करके और पांचवे वाले डॉट को ऐसे ऊपर कर लीजिएगा। देन दोस्तों ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से स्लो एंड फास्ट मोशन में अपनी वीडियो को कर पाएंगे। और लास्ट में आप ये मत बोलिएगा कि शैलेश भाई आपने एडिटिंग अच्छे से नहीं सिखाया, आप बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपका भाई सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देगा। सिंपल से आप लोग को इतना कर लेने के बाद आपको राइट वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, और राइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद देख सकते हैं हम लोग की वीडियो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग का वीडियो किस इस टाइप से स्लो एंड फास्ट मोशन में हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ऐसे करके आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट कर लेंगे। गाइस हम लोग का यहाँ पे वीडियो तो स्लो एंड फास्ट मोशन में हो चुका है, अगर आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप वीडियो ना उस टाइप की एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे वाले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा जिसमें हम लोग कटिंग करने वाले। देख सकते हैं हम अपने वीडियो को, यहाँ पे हम लोग वीडियो को चलना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके और आने के बाद आपको कट करना होगा अपने वीडियो के अंदर, जिससे हम लोग आसानी तरीके से ना अपने वीडियो के अंदर स्ट्रेक इफेक्ट को ऐड कर पाए। तो नीचे साइड में आपको कैंची के आइकन पे क्लिक करना होगा यानी कि स्प्लिट, और ऐसे आप आगे आइएगा थोड़ा सा और यहाँ पे भी आपको स्प्लिट एक बार कर देना होगा, थोड़ा सा और आगे आइएगा यहाँ पे भी आपको ऐसे स्प्लिट कर देना होगा, और आगे आके ऐसे स्प्लिट कर देना होगा। देन दोस्तों ऐसे आप लोग को कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग के सामने यहाँ पे ना बहुत सारे डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। सिंपली गाइज आपको ना यहाँ पे बहुत सारे प्लस के आइकन मिलेंगे जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने काटा है, तो इस पर आप लोग ऐसे क्लिक करके यहाँ पे जूम वन करके एक इफेक्ट मिलेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और अगर ना आप ये चाहते हैं कि सभी जो प्लस का आइकन है वहाँ पर वहाँ पे ये इफेक्ट लग जाए एक ही बार में, तो सिंपल से आप नीचे साइड में अप्लाई टू आल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग की वीडियो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये काफ़ी औसम सी। गाइस अगर आप चाहते हैं ना सेकी इफेक्ट को भी ऐड करना तो ये भी आपका भाई बताने वाला है। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कैसे आप अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करेंगे, क्योंकि म्यूजिक के हिसाब से हम लोग बीट को गिराने वाले हैं। तो उसको डालने के लिए म्यूजिक को हम लोग सिंपली क्या करेंगे गाइस ना, ऐसे स्क्रॉल करके आगे आएंगे, और आगे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, इस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा म्यूजिक को ऐड करने के लिए। और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद वीडियोज एंड फोटोज वाले आइकन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और आपकी गैलरी की सारी वीडियोज यहां पे मिल जाएंगी। तो सिंपल से मैं क्या करूंगा इस वाले वीडियो को यहां पे ले लूंगा, और इस वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग ना इस वीडियो से म्यूजिक इजीली ले पाए। तो वीडियो को लेने के बाद आपको सिंपल से एक छोटी सी टिप्स को यूज करना होगा, ऐसे आप नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद आप लोग के सामने ना एक यहां पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपकी म्यूजिक ऊपर साइड में आ जाएगी, और सबसे पहले आपको इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना जो कि अभी हम लोगों ने ऐड किया, और वीडियो को कर लेने के बाद देखिएगा हम लोग का वीडियो को ऐसे हम लोग कोने में कर देंगे ताकि हम लोग इफेक्ट को मिला पाए, और ऐसे आप आगे आइएगा देखिएगा कहां पे हम लोग का बीट मिलता है, ये यहां पे देख सकते हैं हम लोग का यहां पे इफेक्ट है, यहां पे बिल्कुल यहां पे हम लोग का इतना तो बलर है गाइस, और यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे हम लोग इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं, और यहाँ पर भी, तो ऐसे आप मिला लीजिएगा। तो सिंपल से मैं ऊपर वाले वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब देखिए हम लोग का वीडियो को ऐसे चला लीजिएगा, मैं कहीं कहीं पे म्यूजिक ऑफ कर दूंगा नहीं तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को गिराना है बीट को, तो सिंपल से मैं क्या करूँगा नीचे साइड में इफेक्ट्स के आइकन पे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल साइड करूँगा, और कर लेने के बाद यहाँ पे एक वाला ये वाला इफेक्ट मिलेगा, ये वाला, तो आप लोग इसे भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसे करके और यहाँ पे क्या करूँगा ना ऐसे इसे थोड़ा सा बढ़ा के और राइट क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हम लोग को वीडियो कुछ इस टाइप से देखने को मिले, ऐसे हम लोग की पूरी वीडियो तो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये वाला इफेक्ट ना सभी के अंदर ऐड हो जाए तो इफेक्ट्स के आइकन पे जाइएगा, अप्लाई टू आल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आपके वीडियो के अंदर ये इजीली ऐड हो जाएगी, आपकी वीडियो काफ़ी ओसम एंड फारसी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से गाइज आप लोग को इतना सारा काम अगर आप कर लिए तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। गाइज अगर आप तीसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आपकी पूरी वीडियो अधूरी रह जाएगी। तो तीसरे स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा जिसके अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे ऊपर साइड में डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर जिस भी रेजुलेशन में आप अपनी वीडियो
वीडियो को सेव करना चाहते आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1080 करके और सिंपल यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा और राइट क्लिक करते ही हम लोग की ये वीडियो ना अपने गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते वन क्लिक में ब्लर इफेक्ट को ऐड करना तो वही आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से अब देखिएगा। ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग वीटा ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे और वीटा ऐप का भी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इजीली जाके ना वीटा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही वीटा ऐप को आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो वाले में आके आप उसी वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा अभी जिसे हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो वीडियो को लेके और सिंपल तीर के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपका वीडियो वीटा ऐप के टाइमलाइन पे लेकर चला आएगा। ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल सा तरीका ये होता है गाइस, आपको सिंपली क्या करना होगा, नीचे साइड में इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करना होगा और अगेन आपको इफेक्ट के आइकन पे क्लिक कर देना होगा और ऐसे आपको स्क्रॉल करना होगा और कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लिंक का आइकन मिलेगा, तो ब्लिंक के आइकन पे आप ऐसे टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने ना हालो ब्लर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये वाला देख सकते हैं काफी ओसम सा। इसे हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और इसकी स्पीड को हम लोग ऐसे कर देंगे और स्पार्कल को आपको ना 100% करके राइट क्लिक कर देना होगा और जहां तक आप अपने वीडियो में इसे रखना चाहते हैं वहां तक ऐसे फैला लीजिएगा। तो मैं यहां पे रखना चाहता हूं, तो देख सकते हैं अभी हम लोग का वीडियो कुछ इस टाइप से है। तो देख सकते हैं हम लोग का वीडियो तो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ चुका है जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वीडियो को फुल HD में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक कर देंगे और हम लोग का ये वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।